मुकेश खन्ना ने एक बार फिर से टारगेट किया कपिल शर्मा के शो को, कहा आज से नहीं बल्कि सालों से फूहड़ता हो रही है इस शो में। ये बात मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा के कमेंट्स के बाद कही है। आपको बता दें कि कपिल शर्मा से हाल ही में इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि मुकेश खन्ना ने उनके शो को फूहड़ और अश्लील बताया है। तब कपिल शर्मा ने ये जवाब दिया था कि कोरोना से जब लोग इतनी प्रॉब्लम में हैं तो मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं कि लोगों के चेहरे पर हंसी आए। बाकी लोगों के परसेप्शन की बात है कि वो मेरे शो को किस तरीके से लेते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को हंसाएं। अब कपिल शर्मा को जवाब देते हुए मुकेश खन्ना ने फिर ट्वीट किया है और कहा है, यह मुद्दा लोगों को हंसाने का नहीं है बल्कि यह मुद्दा लोगों को हंसाने के तरीके का है। मैंने नहीं कहा कि लोगों को हंसाओ मत। आज की डेट में लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ी बात है, लेकिन लोगों के चेहरे पर ये जो मुस्कान है ये शालीनता के साथ लानी चाहिए, जो कि कपिल के शो में बिल्कुल नहीं है। फूहड़ता और अश्लीलता है उनके शो में। इसके बाद मुकेश खन्ना ने कहा कि कपिल शर्मा का शो सिर्फ फूहड़ता कोरोना महामारी के दौरान ही नहीं कर रहा है बल्कि ये फूहड़ता लंबे समय से चलती आ रही है इस शो में, और मेरा फोकस इसी मुद्दे पर है। आपको बता दें कि मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा के शो को फूहड़ और अश्लील तब कहा था जब महाभारत की पूरी टीम को वहां पर इनवाइट किया गया था, लेकिन उस एपिसोड में मुकेश खन्ना नहीं दिखे थे। लोगों ने उनसे पूछा कि आप इस शो में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कारण बताया कि इस शो में कपिल शर्मा जिस तरह के सवाल करते हैं, जिस तरह की फूहड़ता और जिस तरह की अश्लीलता इस शो में है वो मुझे बर्दाश्त नहीं, और इसीलिए उन्होंने इस शो में जाने से मना कर दिया। और तब से मुकेश खन्ना और कपिल शर्मा के बीच ये शब्दों का वार जारी है। आपको बता दें कि मुकेश खन्ना इंडस्ट्री के उन चंद एक्टर्स में से एक हैं जो इंडस्ट्री में किस तरह का कंटेंट बन रहा है और किस तरीके से हिस्ट्री से छेड़छाड़ की जा रही है उसको लेकर समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं।